दिनों ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। जहां अपने निजी दौरे पर इंदौर आए ऊर्जा मंत्री ने दूर से ही बिजली कंपनी के कर्मचारियों की गलती पकड़ ली। फिर क्या था, अपने कर्मचारियों की गलती सुधारने के लिए खुद मंत्री जी को मैदान संभालना पड़ा। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी की आर्थिक राजधानी में ऊर्जा मंत्री का एक्शन, दूर से देखते ही मंत्री ने पकड़ ली बिजली कंपनी की गलती। अधिकारियों की गलती सुधारने के लिए खुद मंत्री जी ने संभाला मैदान। पोल के आसपास लगी झाड़ियों को ऊर्जा मंत्री ने किया साफ। मेंटेनेंस के लाख दावे करने वाली बिजली कंपनी ऊर्जा मंत्री के सामने ही फेल होती दिखाई दी। जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दूर से ही बिजली कंपनी की उस गलती को पकड़ लिया, जहां बिजली के पोल पर ही झाड़ी लटकती और चिंगारी निकलती दिखाई दे रही थी। फिर क्या था, हर बार की तरह एक बार फिर मंत्री जी ने खुद ही मैदान संभाला और हाथों में फावड़ा लेकर आसपास लगी झाड़ियों को साफ कर दिया। जरा आप खुद ही देखिए ऊर्जा मंत्री का यह अनोखा अंदाज। ऊर्जा मंत्री ने बिजली कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए जनता को बिना बाधा के बिजली पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। आज मैं डॉक्टर से अपने पास के संबंध में चर्चा करने इंदौर आया था। डॉक्टर को देखने के पश्चात वापस भोपाल जा रहा हूं और देखा कि एक ट्रांसफार्मर पे तार में आग लग रही है, स्प्राइंग मतलब उसमें करंट की वजह से जल रहा है। तो थोड़ी देर बाद फॉल्ट होता, लाइट जाती। मैंने SEOC से पूछा, अधिकारी से पूछा क्या कारण है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। नीचे देखता हूँ तो पूरा वो खुला हुआ पड़ा है, कोई भी खतरा हो सकता है। तो तत्काल मैंने कहा ये मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस भी नहीं हुआ है, इसमें कौन दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और शहर में मेंटेनेंस होना चाहिए, ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेंस करते वक्त झाड़ वृक्षों को भी देखिए, उनकी भी छटनी करिए। उन पे हमारे जो इंसुलेटर वायर हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, हमारे फेस जिससे बार बार ट्रिपिंग लोगों को बार बार लाइट ना जाए, ये दायित्व तो हमारा है। हम अच्छी सर्विस दें, जो हमें लोग उपभोक्ता हमें पैसा दे रहे हैं, सर्विस देना हमारी ड्यूटी है और वो कर्तव्य का निर्वहन करना हमारा दायित्व तो है। उस निर्वहन के लिए यह सेवक माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार में काम के लिए निकला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इंदौर में बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को औचक निरीक्षण कर झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।